नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों रिमोट सेंसर के कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखिए रिमोट सेंसर है, तो दोस्तों इसी के कनेक्शन इस वीडियो में करने वाले हैं। और दोस्तों सेंसर को कैसे चेक करते हैं ये भी दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है कलर टीवी की किट। तो दोस्तों किट में इस तरह के दोस्तों 3 पिन का सॉकेट लगा होता है। देखिए दोस्तों IR, 5 वोल्टेज और ग्राउंड। दोस्तों यही तीनों वायर दोस्तों सेंसर में लगेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सॉकेट को लगा लेते हैं। तो दोस्तों सॉकेट को लगा दिया है, यही दोस्तों वायर सेंसर में लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए पट्टे में जो काले रंग का वायर है वो दोस्तों ग्राउंड है। तो दोस्तों ग्राउंड का वायर दोस्तों जो सेंसर की जो बीच वाली पिन होती है, तो दोस्तों ये पिन ग्राउंड होती है। तो दोस्तों काला वायर जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड वाली पिन में दोस्तों काला वायर लगाएंगे ग्राउंड का। देखिए दोस्तों इसको सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सेंसर की बीच वाली पिन को दोस्तों जो कि ग्राउंड थे उसको दोस्तों सोल्ड कर लिया है। अब देखिए दोस्तों जो साइड वाली पिन है, देखिए दोस्तों ये पिन दोस्तों होती है IR सेक्शन की। तो दोस्तों जो लाल वायर है, देखिए पट्टे के नीचे लिखा हुआ है IR, तो IR की दोस्तों जो लाल वायर है वो दोस्तों IR की पिन में लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको भी सोल्ड कर लिया। अब दोस्तों एक पिन बची हुई, देखिए दोस्तों ये वाली, तो दोस्तों ये पिन होती है 5 वोल्टेज की। तो दोस्तों 5 वोल्टेज वाला दोस्तों वायर है वो इस पिन में दोस्तों लगा देते हैं। फिर दोस्तों इसको चेक करके दिखाएंगे कि सेंसर अगर ख़राब हो जाए तो इसको कैसे चेक करते हैं। तो इस वायर को भी दोस्तों सोल्ड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इसको सोल्ड कर लिया है। देखिए दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल ठीक हुए हैं। ये दोस्तों ग्राउंड का, ये IR का, ये दोस्तों 5 वोल्टेज का। तो चलिए दोस्तों टीवी को दोस्तों बिजली में लगा करके चेक करते हैं। देखिए दोस्तों सेंसर में दोस्तों लाइट आ गई है। देखिए दोस्तों सेंसर की LED है वो जलने लगी है। तो दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों डिजिटल मीटर से इसको चेक करके देखेंगे कि अगर सेंसर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों चेक करने के लिए दोस्तों जो डिजिटल मीटर है, देखिए दोस्तों इसको दोस्तों DC 20 वोल्टेज पर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यह DC 20 वोल्टेज। अब दोस्तों क्या करना है, इसकी दोस्तों काली प्रोब है उसको दोस्तों ग्राउंड में कहीं भी प्लेट में लगा देंगे। तो दोस्तों साउंड की जो IC लगी हुई है 203 नंबर, तो दोस्तों उसी की हीट सीट में दोस्तों माइनस की पिन को लगा देंगे। अब दोस्तों जो IR सेंसर की पिन थी दोस्तों, ये देखिए दोस्तों IR सेंसर थी, देखिए दोस्तों इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। अब दोस्तों क्या करना है, रिमोट की कोई भी एक बटन दबाना है। देखिए दोस्तों कोई भी एक बटन दबाएंगे तो इसके वोल्टेज हैं कम ज़्यादा होंगे। देखिए दोस्तों थोड़ा बहुत तो अपने आप कम होता है, लेकिन जब बटन दबाएंगे तो ज़्यादा वोल्टेज कम होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर बटन दबा के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितने वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका सेंसर सही होगा तो दोस्तों इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे, और अगर सेंसर ख़राब होगा तो वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों।